हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और फिर जीरा डालेंगे। अब प्याज डालेंगे, उसे थोड़े सॉटे कर लेंगे। अब शिमला मिर्च डालेंगे, अब ब्रोकली डालेंगे, बीन्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, मटर डालेंगे और इन सबको सॉटे करेंगे। अब टमाटर डालेंगे, इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और सेजवान चटनी डालेंगे। अब इन्हें चला के अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 5 मिनट के बाद इसमें तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, और इन सबको मिक्स करेंगे चावल के साथ। और इसे भी 5 मिनट तक पकने देंगे। ताकि ये सारे मसाले चावल में अच्छी तरीके से मिल जाएं। अब इसमें हम धनिया पत्ती कटी हुई डालेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये रेडी है। हमने इसे सर्व कर लिया। देखिए, हरी सब्जियों के साथ कितनी टेस्टी है ये फ्राइड राइस।